हाय गाइस, कैसे हैं आप? रश्मि की किचन में आपका स्वागत है। आज हम चीले बनाएंगे, वो भी स्टफिंग के साथ। चीले बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, उन सभी चीजों को एक बार देख लेते हैं। हमने ये 1 कप बेसन लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद के अनुसार ही डालें। 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे, 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे। बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है। जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं, बस उसी तरीके से बनाना। बैटर हमारा बन, इसमें गुठलियां जैसी बिल्कुल भी ना हो। इस कंडीशन में होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, 1 चम्मच चीनी, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके लिए 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन आज हम स्टफिंग आलू से नहीं बनाएंगे, आज प्याज, टमाटर, 1/2 चम्मच जीरा, हरी मिर्च और अदरक, हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम भुनने देते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा हींग भी डाल देते हैं, कसूरी मेथी, थोड़ा सा बेसन डालेंगे लगभग 2 चम्मच और इसको भी भून लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और बेसन हमने इसलिए डाला है कि इन सभी चीजों को, क्योंकि हमने आलू नहीं डाले हैं तो ये सबको वाइंड करके रखेगा, चिपका के रखेगा, नहीं तो प्याज अलग अलग रहेगी। ये मसाला बनके हमारा रेडी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे हटा देते हैं और तवा रखते हैं, फिर चीला बनाते हैं। हमने तवा ले लिया है और अब हम इसको गरम होने देते हैं। बैटर हमारा 10 से 15 मिनट के लिए रखा था तो ये अच्छा हो गया है, स्मूथ। अब हम इसके चीले बनाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा थिक है तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा परफेक्ट है इसलिए मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम बैटर लेते हैं और इस तरीके से
चारों तरफ ऑयल को लगाएंगे और थोड़ा बीच में भी लगा देते हैं। फ्लेम हमने स्लो रखा है। जब हमारा चीला बन गया उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि पकाने की वजह से, और जब भी हम बैटर को इस पर फैलाएंगे तब हमें इसका फ्लेम कम ही रखना है, और चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए सेक लेना है। देख रहे हैं कितने अच्छे से बना है। इसको हम होल्ड कर देते हैं। इस पर हम मसाला नहीं लगा रहे हैं, इसे बिना मसाले के बनाया है, दूसरा हम मसाले के साथ बनाएंगे और आप देखेंगे कि कितना क्रिस्पी भी है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। चारों तरफ से ऑयल फिर लगा देते हैं और थोड़ा सा बीच में भी। फ्लेम को फिर बढ़ा देते हैं। इस तरीके से नाइफ को लेंगे और चारों तरफ घुमाते जाएंगे और ये ऐसे हट जाएगा। इधर अभी कच्चा पका नहीं है तो हम थोड़ा इधर पर तवा थोड़ा घुमा देते हैं, फ्लेम इस पे भी इधर से लग जाए और ये पक गया है। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से पक गया है। अब हम इस पे मसाला लगा देते हैं। ये हमारा मसाला चीला तैयार है। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से बना है और ये क्रिस्पी भी है। फ्लेम को हम फिर बढ़ा देते हैं, ऑयल को फिर चारों तरफ और थोड़ा सा बीच में भी। पकने देते हैं इसे। इसको पकने देते हैं 2 मिनट और फिर मसाला लगाएंगे। हमने मसाला लगा दिया है, अब हम इसके लिए होल्ड कर देते हैं। ये चारों तरफ से अच्छे से पक गया है, आप देख पा रहे हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा मसाला चीला बन के तैयार है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। आप भी बनाकर खाइए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।